नमस्कार, मैं हूं प्रतिष्ठा और आप देख रहे हैं टीएनएन सेक्युलर। नांगलोई जाट विधानसभा सीट दिल्ली की विधानसभा के 70 सीटों में से एक है। नांगलोई जाट विधानसभा सीट दिल्ली की लोकसभा चुनाव के अंदर भी आती है। अगर हम 2015 विधानसभा चुनावों की बात करें तो आप उम्मीदवार रघुवेंद्र शौकीन ने भाजपा से उम्मीदवार मनोज तिवारी को 37,000 वोटों से शिकस्त दी थी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनावों के लिए 70 सीटों पे अपने 70 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया है और एक बार फिर से उन्होंने नांगलोई जाट विधानसभा से अपने उम्मीदवार यानी कि रघुवेंद्र शौकीन को टिकट दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने नांगलोई जाट विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार करम सिंह कर्मा को टिकट दिया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपने इस सीट से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में इस बार दिल्ली चुनाव में 1.46 करोड़ मतदान अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बता दें कि 2015 में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रचा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 3 सीटें हासिल की थी, तो कांग्रेस के खाते में कोई सीट ही नहीं आई थी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 11 फरवरी के नतीजे क्या कहते हैं। क्या नांगलोई जाट विधानसभा की जनता एक बार फिर से रघुवेंद्र शौकीन पर अपना भरोसा जताती है या नहीं। आज की रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन और इलेक्शन से जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीएनएन सेक्युलर। नमस्कार।